हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पूजा पवार है और आज मैं आपको बहुत अच्छी ब्लैक हेयर डाई बताऊंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, आजकल हम घर से बाहर नहीं जा सकते, कुछ सामान नहीं मिलेगा, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी ब्लैक हेयर डाई लाई हूं। और उसे मैं घर में रखी जो दो चीज़ें हम नॉर्मल यूज़ करते हैं और डेली यूज़ करते हैं, उसी से मैं आपको बहुत अच्छी ब्लैक हेयर डाई बताऊंगी। और अगर आप इसे हफ्ते में दो बार लगाएंगे तो ये आपके बालों को बहुत अच्छा ब्लैक कलर देगी पहली एप्लीकेशन में। यानी कि जब आप इसे पहली बार लगाएंगे तो इससे आपके बालों में बहुत ही डार्क वाला कॉपर कलर आएगा, और उसके बाद जब दोबारा हफ्ते में आप दोबारा इसे रिपीट करेंगे तो ये कॉपर कलर और भी डार्क हो जाएगा। तो ये डार्क कलर जो होगा वो ब्लैक शेड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके आप इसी डाई को अगर आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, यानी कि हफ्ते में दो बार यूज़ करेंगे, तो उससे आपके बालों में बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर आएगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये बालों को कलर करने के साथ साथ आपके बालों को सॉफ्ट भी बनाएगी, शाइनी भी बनाएगी और घना भी बनाएगी। और अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे, झड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले बाल हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी डाई है ये जो आज मैं बता रही हूँ। सिर्फ दो चीज़ों से मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद इसमें नॉर्मल हिना से हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे शुरू कर जैसे हमें शुरू करना है तो उसके लिए मैं जैसे आपको बताती हूँ हर बार, एक अच्छा सा सीरम बनाएंगे उसके लिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ सामान वो बता देती हूँ मैं आपको। तो इसके लिए मैं सिर्फ नॉर्मल जो चाय पत्ती हम घर में चाय बनाते हैं उसकी वो वाली चाय पत्ती यूज़ करूँगी। ये मैंने 2 चम्मच चाय पत्ती ली है और 1 कॉफ़ी का पैकेट लिया है मैंने। इन दो चीज़ों से मैं आपको ब्लैक हेयर डाई बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अभी देखिए मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं जो मेरी 2 चम्मच चाय पत्ती है वो डालूंगी, और इसमें जो हमने कॉफ़ी का पैकेट लिया है वो डालेंगे। ये लगभग 1 चम्मच कॉफ़ी का कॉफ़ी होगी जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने एक छोटा वाला पाउच लिया है और ये 2 चम्मच कॉफ़ी है, 1 चम्मच कॉफ़ी है, वो भी हम इसमें डाल देंगे, 2 चम्मच चाय पत्ती और 1 चम्मच कॉफ़ी। और इनको हमें भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा गर्म करना है, हमें बहुत ही हल्का सा गर्म करना है, क्योंकि कॉफ़ी और चाय पत्ती को जब हम इस तरीके से गर्म करेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ही हल्का, सिर्फ 1 से 2 सेकंड तक, तो ये ना बहुत अच्छा थोड़ा सा ब्लैक शेड देगी हमारे बालों में। और इसमें हम सीरम बनाने के लिए 1 कप पानी डाल देंगे। ये देखिए मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी। और इसमें हम अगर आप चाहें तो जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है, बाल बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं, तो इसमें आप नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं 1 चम्मच जो पानी था वो मैं पूरा डाल दूंगी, जिससे कि ये मेरा पक जाए और बहुत अच्छा सा सीरम बन जाए इसे। और इसे हम लगभग कम गैस में बिल्कुल 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। इससे क्या होगा, ये बहुत ही ब्लैक हो जाएगा और बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसका बालों में। और इसमें मैं थोड़ा सा, अगर आपके पास नीम के पत्ते अवेलेबल हैं तो आप डाल सकते हैं। तो इसमें मैं 1/2 चम्मच जो नीम के पत्ते, ये मेरे घर के सूखा कर मैंने पाउडर बनाया हुआ है, तो मैं इसमें 1 चम्मच नीम के पत्ते डाल रही हूँ, क्योंकि अब आजकल गर्मियों का मौसम जैसे धीरे धीरे शुरू होने वाला है तो बाल बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं, तो उन सब चीज़ों से ये पहले ही रोकथाम करके रखेगा। क्योंकि अभी तो थोड़ा जैसे बारिश हो रही है बार बार, तो मौसम ठंडा है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर में पसीना आता है, मॉइस्चर आता है, इसलिए। तो इसमें मैंने 1 चम्मच नीम के पत्ते डाले हैं और अब इसे हम कम गैस में लगभग 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। और ये देखिए 3 से 4 मिनट पकाने के बाद जो मेरा सीरम है वो बहुत ही ब्लैक हो चुका है, ये देखिए। और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमें ठंडे सीरम में बहुत अच्छी ब्लैक हेयर डाई बनाएंगे। तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आता है। और ये देखिए अभी हमारा जो सीरम है बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और मैं इसे छान लूँगी, क्योंकि जो उसमें चाय पत्ती है वो और आंवला की जो हमने थोड़ा सा पाउडर डाला था वो भी निकल जाए। आंवला आपकी मर्जी है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा इन्फेक्शन से बचाव रहे बालों में गर्मियों में, इसलिए। और जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो और भी प्रॉब्लम हो जाती है बालों में, तो उन सब के लिए वो पहले से रोकथाम करके रखेगा, इसलिए। अब मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखा देती हूँ सीरम, ये देखिए कितना काला बना है। ये बहुत ही अच्छा सीरम है बालों के लिए, बहुत ही ब्लैक है। और इसमें अब बनाने के लिए मैं आपको हिना के बारे में बता देती हूँ। देखिए मैंने गो नेचुरल की ऑर्गेनिक हिना ली है। अगर आपके पास हिना ख़त्म हो गई, आप लेना सोच रहे हैं, तो आप ऑनलाइन इसे मंगा लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी इसका। ये बहुत अच्छी ऑर्गेनिक हिना है, प्योर, बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, इसलिए। क्योंकि आप बाजार से जो भी, जैसे बहुत सारी हिना है मार्केट में, जो भी आप लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत केमिकल होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्योर है, और उसका कलर भी बालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए। अब बालों के अकॉर्डिंग आप हिना ले लेंगे, जितना आपको ज़रूरत है, जितने आपके बालों की लेंथ है उसी हिसाब से आप हिना ले लेंगे। वो देखिए मैं हिना ले लूँगी अब इसमें। अब हिना के साथ इसमें जो हमारा सीरम है
वो मैं उस सीरम का इसमें अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। और इसका पेस्ट बनाने के बाद इस डाई का कलर जब आप इसे रख देंगे तो इसका कलर इतना अच्छा ब्लैक हो जाएगा और बहुत ही जल्दी बालों में इसका कलर आएगा और जल्दी से, क्योंकि चाय पत्ती आपने देखा होगा कितनी बार जैसे किसी कपड़े पे चाय गिर जाती है तो उसका दाग जल्दी से नहीं उतरता है, तो बालों के साथ भी ऐसा ही है। जब कॉफ़ी, चाय पत्ती इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप बालों में यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर आएगा और इसका कलर बालों में बहुत ही जल्दी फिक्स होगा और जल्दी से नहीं उतरेगा। और आपको मैं एक कलर फिक्सर के बारे में भी बताऊँगी, जो आप जैसे आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो उस शैम्पू की जगह आप क्या यूज करें जिससे कि आपके बालों से डाई का कलर बिल्कुल ना निकले। अब देखिए ये पेस्ट हम बना लेंगे अच्छा सा। अगर आप चाहें तो इसे आधे घंटे बाद आज ही अप्लाई कर सकते हैं बालों में, जैसे लगाने के बाद, घोलने के बाद। और अगर आपको लग रहा है कि आप आज नहीं और अच्छा ब्लैक कलर चाहते हैं तो आप इसे रात भर रख दीजिएगा, लगभग 8 से 10 घंटे रख दीजिएगा, तो उसके बाद आप इसे कल बालों में लगाइएगा तो और भी अच्छा कलर आएगा इसका। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप इसे आधा या 1 घंटा घोल कर रख दीजिएगा, उसके बाद भी लगा सकते हैं और थोड़ी देर बाद इसका कलर बहुत अच्छा ब्लैक हो जाएगा और ये बहुत ही पक्का कलर देगी बालों में, क्योंकि जो मैंने इसमें चीज़ें यूज़ की हैं वो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बालों को कलर देने के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इसलिए अब देखिए मेरा पेस्ट बन गया है और अभी से मैं आज नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बालों में बहुत अच्छा कलर आए। और क्योंकि आजकल कहीं जाना तो होता नहीं, घर में रहते हैं तो थोड़ा ये रहता है कि एक बार डाई लगा लो, कम से कम 10 दिन तक बालों में जो बाल होते हैं जड़ों के वो सफ़ेद ना दिखाई दें। इसलिए तो मैं इसे 8 से 10 घंटे रख दूँगी, उसके बाद ही मैं बालों में अप्लाई करूँगी। और आप भी इस डाई को ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी डाई है, बहुत असरदार है। इन लॉकडाउन के दिनों में जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप दो चीज़ों से ये ब्लैक हेयर डाई बनाइएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और लंबे टाइम तक टिकेगी। इसलिए तो आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, कैसी लगी वो मुझे जरूर बताएं और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एवरीवन।